हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। आज का अपना टॉपिक है टेस्टिस इन हाई मैग्निफिकेशन। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले कर दो, एंड जितना हो सके उतने लोगों तक इस चैनल को पहुंचा दो। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे अच्छे वीडियोज़ बनाने को। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक टेस्टिस। सो दोस्तों, अभी हाई मैग्निफिकेशन में ना सबसे जो सेंट्रल पार्ट होगा वहाँ पे अपनों को क्या दिखेगा, स्पर्मेटोजोआ जो कि डेवलप हो रहा है। ठीक है, एंड वेरियस सेल्स के स्टेजेस दिखेंगे। अभी ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, दिस आर द स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म्स जो कि डेवलप हो गए वो सेंटर में दिखेंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे, सस्टेंटिकुलर सेल्स, उनका दूसरा नाम है सर्टोली सेल्स, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था। ठीक है, सो ये सपोर्टिव फंक्शन में होते हैं बस। फिर फाइब्रोब्लास्ट दिखेगा अपने को, समझा। सो डिफरेंट स्टेजेस दिखेंगे, पता है अपने को। स्पर्मेटोगोनिया आता है, फिर उस पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटोजोआ, वो स्टेजेस अपने को पता है। सो वैसे ये सेल्स दिखेंगे। याद रखना, सेंटर में क्या होगा, स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ। बाकी स्पर्मेटोगोनिया दिखेंगे सब जगह पे। सो यही था अपना आज का टॉपिक टेस्टिस। बहुत इजी टॉपिक था, कुछ नहीं याद करना है इसमें। बस जो स्टेजेस है, कौन से स्टेज कब आता है वो याद रखो, सेंटर में क्या है स्पर्म्स वो मेन याद रखो। ठीक है, सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में।